बक्सर की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं CNB न्यूज। आपको रखे आगे। जिले के चौसा प्रखंड के कुचाड़ी गांव में एक ऐसी अनोखी शादी देखने को मिली, जहां इस शादी को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। कहते हैं, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार उतना ही गहरा हुआ है। बताया जा रहा है कि कुचाड़ी निवासी केदार राजभर का पुत्र दीपू ननिहाल नवालगर थाना के मुकुंद डेरा पर नानी के घर पर रहकर पढ़ाई करता था। पढ़ाई के दौरान ननिहाल में पड़ोसी स्वजातीय टेंगारी राय की पुत्री फूल कुमारी से नैन लड़ गई। दोनों छुप छुप कर मिलते, धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ा। दोनों साथ जीने मरने की कसम खा लिए। हालांकि प्यार का दुश्मन जमाना बन गया। लड़की के घर वालों तक खबर पहुंची। युवक को डांट व मार पीट कर गाँव से भगा दिया गया। दीपू अपने गाँव कुचाड़ी आ गया, लेकिन दोनों का मन नहीं लग रहा था। नावानगर थाना क्षेत्र के मुकुंद डेरा निवासी युवती चौसा के कुचाड़ी गांव पहुंच गई। गांव पहुंचने के बाद वह अपने प्रेमी के बारे में गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाई। ग्रामीणों ने पंचायत के मुखिया को सूचना दी। उसके बाद पंचायत के मुखिया ने लड़के के पिता और समझा बुझाकर दोनों प्रेमी युगल की शादी करा दी। परिजनों की सहमति पर लड़के की बहन की शादी 15 दिन पूर्व बनाए गए मंडप में ही वैदिक रीति रिवाज से शादी को संपन्न ग्रामीणों के बीच कराया गया। बता दें कि नानी के गांव रहने के दौरान दोनों में प्यार परवान चढ़ा, जिसका लड़की का भाई विरोध कर रहा था। स्थिति यह हुई कि जब लड़का और लड़की दोनों जिद पर अड़ गए, तो घर वालों के साथ साथ जमाने को भी उनके आगे झुकना पड़ा और अंत तक पूरी रजामंदी के साथ दोनों की रीति रिवाज के साथ ग्रामीणों की उपस्थिति में शादी करा दी गई। इस मौके पर भोज भी कराया गया। इस मामले में लड़की तथा लड़का अपने बारे में मीडिया को बताया कि हमारा प्यार हमें मिल गया, हम बहुत खुश हैं। वही लड़का के मां ने अपने बहू को स्वीकार करते हुए खुशी जाहिर की। इस मामले में मुखिया ने बताया कि सूचना मिलने के बाद लड़की के गांव के मुखिया से मिलकर लड़की के पिता से बात कर दोनों परिजनों को रजामंदी करके दोनों युवक युवती की ग्रामीणों के बीच विधिवत रीति रिवाज से शादी संपन्न कराई गई। संजय उपाध्याय के साथ राज रंजन की रिपोर्ट, सिटी न्यूज बक्सर से। तुम्हारे पिताजी विरोध कर रहे थे शादी का? ना। कौन विरोध कर रहा था? छोटा भाई। अच्छा। कब से जान पहचान है आप लोगों की? 5 साल ले। अभी शादी से खुश हो ना? क्या नाम पड़ेगा? फूल कुमारी। तभी आप वहाँ से मुकुंडेरा से यहाँ पे आए? बहुत खुश हैं हम लोग। हम लोग बचपन से एक साथ रहते थे। हम लोग को बचपन रहते रहते दोस्ती में बदल गया। आपस अपने मर्जी से दोनों आदमी, वो भी खुश थी हम भी खुश थे। ये बोली कि हम लोग शादी करेंगे, अपनी मर्जी से शादी कर ली। कहाँ? मेरे गांव कोचाड़ी है। मैं पहले बचपन से मुकुंडेरा में रहता था। वहाँ क्या रिश्तेदारी? मैं नानी गांव था वहाँ का। अच्छा। परिवार वाले खुश हैं? हाँ, परिवार वाले खुश हैं। लड़की के परिवार वाले खुश थे, लेकिन उनका एक छोटा सा भाई था, वो नहीं मान रहा था। बाकी सब कोई पूरा टोटल गांव, वो मुकुंडेरा टोटल गांव जानता था। 4 साल 5 साल का बात था। 5 साल से ये लोग ये बात 5 साल 6 साल से बात चल रहा था, लेकिन कोई उनका सब कोई तैयार था, लेकिन उनका छोटा भाई नहीं तैयार था। अभी आप खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ, हद से ज़्यादा खुश हूँ। इसमें ज़्यादा सहयोग कौन किया परिवार के, पिताजी या माता? वहाँ पर गए। यहाँ पर तुम्हारे माता जी ज़्यादा खुश हैं कि पिताजी? अब तो सब खुश है, मेरा परिवार टोटल खुश है। एक विशेष खुश होता है ना? हाँ, सब खुश है मेरा परिवार। तो आप ननिहाल में रहते थे? हाँ, मैं बचपन से ननिहाल 15 साल से करीब वहीं पर रहता था। नानी नानी का आपको प्यार अभी मिला? हाँ, अभी मिला है। किस तरह महसूस हो रही है? बहुत, मुझे बहुत खुशी हो रही है। नाम का पड़ी अपन? नाम मेरा दीपक कुमार पड़ेगा। ठीक बा? हाँ, बहुत हम खुश बने। खुश बने? हाँ। रोवे गांव का ये पतो? हाँ जी सर, हमारे गांव के ही। हाँ। लड़का लेकिन मैं क्या संभाल लो गांव रख, हम दोस्ती कर ले वहाँ, सब दोस्ती के कन के निभा दे रही। खुश बनी हूँ शादी से? हाँ, शादी से खुश बन। क्या नाम पड़ी अपने के? जमुनी देवी। दानो दहेज ले ले बनी? कुछ ना। हमको जैसे सूचना मिला हमारे पंचायत में कि दो प्रेमी लड़के और लड़की आए हैं,
उन लोग को हम ने उनको परिवार को समझाया और समझा बुझा कर हमने बोला कि दोनों का जो रिश्ता है अच्छा से बन जाना चाहिए। और दोनों परिवार के दोनों बच्चे और बच्चे के हमने जो हिंदू रीति रिवाज से था हमने शादी यहाँ पर रहकर अपना दोनों को करवाया और दोनों बच्चियों को हमने आशीर्वाद अच्छे से दिया। उनको परिवार के समझाया बुझाया कि आप लोग अच्छे से इनको देखिएगा ताकिएगा और अच्छे से रखिएगा। अच्छा, कुछ दिन पहले इसी सप्ताह में इनके घर बेटी की शादी हुई थी, उसी मंडप में शादी हुआ क्या? हाँ, इसी मंडप में शादी हुआ, तो जो रिवाज है वो अलग, फिर ये लोग अपना जो बाती जो कार्यक्रम जो था फिर अपना ये लोग कार्यक्रम किया अच्छा से ढंग से, जो रीति रिवाज था उसी रीति रिवाज से के साथ वो शादी संपन्न हुआ। अपन नाम क्या है? हम सिकड़ौर पंचायत का मुखिया श्री साहब उनर। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ विरोध था तभी आपको पहल करना पड़ा? हाँ, एक उसमें भाई उनका था, कुछ विरोध कर रहे थे तो उन लोग को हम समझाए और जो माता पिता थे वो लोग राजी थे, इनका भी माता पिता राजी थे, लड़के वाला का लड़की वाला का भी माता पिता राजी थे। और एक भाई था छोटा भाई था, कुछ विरोध कर रहा था, उन लोग को भी हम लोग को समझाए समझा बुझा कर दोनों। लड़की यहाँ पे आई थी ऐसा बताया जा रहा है? अब लड़की तो यहीं पर आई थी, मान लीजिए शादी ब्याह यहीं पर जब हुआ जब लड़का का घर पर शादी हुआ तो मानिए लड़की यहीं पर आई थी।